गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल उदयपुरी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर पर पुदीना को कैसे ग्रो किया जाए। पुदीना को घर पर ग्रो करना बहुत ही आसान है। हम जो बाज़ार में पुदीना खरीदते हैं उनकी जो डंठल होती है उसे ही हम ऊपर की लीफ को हटा कर उसे सॉइल में लगा दे तो उससे पुदीना आसानी से घर में ग्रो हो जाता है। लेकिन उसके लिए पहले हम गमले में कुछ तैयारी करनी होती। हमें जिस गमले में पुदीना को लगाना है उसमें पहले देख लेना होगा कि उसका ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा हो। उसमें पानी जब हम डालें तो आसानी से नीचे से अधिक होने पर निकल जाता हो। अब हम जो मिट्टी तैयार करेंगे उसमें हम 5 भाग नॉर्मल सॉइल और 4 भाग काऊ डंग खाद लेंगे। उसी प्रकार अगर वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम 6 भाग नॉर्मल सॉइल और 3 भाग वर्मी कंपोस्ट लेकर सॉइल को तैयार कर लेंगे। अब उसमें पुदीना को लगा देंगे। 5-6 दिन में ही हम देखें कि उसमें जड़ें ग्रो हो चुकी हैं। पुदीना को पानी में भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। पुदीना के मेडिसिनल और वास्तुशास्त्र में बहुत वैल्यू दिया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम इसे अपने घर की दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो इससे हमारे घर में लक्ष्मी का अस्थाई वास होता है। इसलिए हमें पुदीना को अपने घर में ज़रूर ग्रो करना चाहिए। हम एक बार पुदीना के प्लांट को अपने घर में ग्रो कर लेते हैं तो ये सालों साल हमारे घर में बना रहता है। हम जब भी पुदीना को लगाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे गमले में ग्रो करें। अगर हमें इसे क्यारी में लगा देते हैं तो यह चारों ओर फैल जाता है और दूसरे प्लांट को पनपने नहीं देता। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे गमले में ही ग्रो करें। गर्मी के दिनों में ये बहुत अधिक धूप सहन नहीं कर पाता, इसलिए इसे ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहिए। नहीं अगर आप बाहर में रखते हैं तो दिन में 11 बजे से 4 बजे तक इस पर सनलाइट की सीधी किरणें न पड़े ऐसे स्थान पर इसे रखें। वर्षा के दिनों में पुदीना की पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, इसलिए इसे वर्षा के पानी से बचा कर रखना चाहिए। जाड़े में भी अगर आप अपने घर में पुदीना लगा के रखेंगे तो अच्छी तरह से ग्रो करेगा। देखिए हमारा पुदीना अभी भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। हमने इसकी कई बार हार्वेस्टिंग भी कर ली है। अगर आप अपने घर में पुदीना लगाएंगे तो आपको सालों भर पुदीना प्राप्त होगा, जिसे आप तरह तरह के डिशेस में डालकर उसका उपयोग कर पाएंगे। इसलिए आप भी अपने घर में पुदीना का प्लांट ज़रूर से ग्रो करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करें ताकि वो भी पुदीना को अपने घर में लगाएं और पुदीना के से फ़ायदा लें और बिना किसी भी प्रकार के केमिकल का ऑर्गेनिक पुदीना खुद से उगाकर प्राप्त करें। आप हमारे चैनल उदयपुरी ब्लॉग को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ऊपर में जो बेल बना हुआ है उसे भी दबा दे जाए ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक वीडियो के साथ।